इस फिल्म की कहानी पति पत्नी और वो की है, जिसमें किसी एक का बहुत गंदा वाला कट जाता है। अब किसने किसकी काटी, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है पीक एट द फायर। फिल्म की कहानी शुरू होती है एमा नाम की एक यंग लड़की से, जो कि जीबी रोड से अंडे खरीद कर अपने घर लौट रही होती है। उसे जीबी रोड में अंडे वाले से लेकर दूध वाला हर कोई बहुत ही अच्छे से पहचानता था, क्योंकि एमा पहले जीबी रोड के बार में काम किया करती थी। घर लौटते ही उसका बॉयफ्रेंड बेन एमा के लाए हुए अंडे को खाने के बाद एमा को बेडरूम में उसके साथ कसरत करने के लिए ले जाता है। कसरत की आवाज़ सुनकर एमा के बगल वाले कमरे में रहने वाला अल्फ्रेड अलर्ट हो जाता है। उसे दीवार में एक होल नजर आती है, जिसे झांक कर देखने पर उसे बेन और एमा बिस्तर पर कसरत करते हुए दिखाई देता है। कसरत देखते देखते कब अल्फ्रेड अपने छोटे चेतन का गला दबाने लगा, यह उसे भी पता नहीं चल पाया। इधर एमा बेन से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बेन हर रोज उसके साथ घपाघप किया करता था और मना करने पर उसे मारता भी था। एमा उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती थी, पर उसके पास जीबी रोड लौटने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बेन के साथ वो इसलिए रह रही थी क्योंकि बेन ही उसे जीबी रोड के बाहर से छुड़ाकर अपने साथ लाया था। इसी तरह एक दिन जब दारू पीने के बाद बेन उल्टा होकर लेटा हुआ होता है, तब अल्फ्रेड चुपके से एमा के पास आता है, जो कि बेन के अत्याचारों से परेशान होकर एक कोने में बैठी रो रही थी। अल्फ्रेड एमा का हाथ थाम लेता है और उसे चूमते हुए एमा की तरफ ऐसे देखता है मानो वो उसके सारे दुख दर्द को दूर कर देगा, पर एमा बिना कुछ कहे ही वहां से अंदर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब एमा किसी काम से बाहर जा रही होती है, तब अल्फ्रेड बाहर खड़े होकर उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एमा अपने रास्ते निकल जाती है। दोनों के बीच में अब कुछ कुछ होने लगा था। अब क्या होने वाला था, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। रात को एक बार फिर बेन से मार खाने के बाद जब एमा अपने बाथरूम में नहाने की तैयारी में होती है, तब अल्फ्रेड चुपके से वहाँ आता है और एमा को अपने कमरे में ले जाता है। एमा के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान बरकरार थी। अल्फ्रेड भी बिना देरी करे एमा की अनबॉक्सिंग करने में लग जाता है, जिसके बाद अगले 3 घंटे तक दोनों दबाकर घपाघप करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम खत्म होने के बाद अल्फ्रेड एमा से कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। एमा के प्रॉमिस करने के बाद अल्फ्रेड उसे दीवार में बने छेद के बारे में बताता है, जिससे झांकने पर एमा का कमरा साफ साफ नजर आ रहा था। पर इस बात से एमा भड़कने की बजाय अल्फ्रेड को हंसते हुए हक कर लेती है। अल्फ्रेड पूछता है कि क्या तुम इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। एमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, और फिर दोनों वापस एक दूसरे को किस करने में लग जाते हैं। अब एमा को बेन के साथ घपाघप करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे भी पता था कि बगल वाले कमरे से अल्फ्रेड उसे देखकर अपना हाथ घड़ी चला रहा होगा। एक रात फिर जब बेन नशे में घोड़े बेचकर सो रहा होता है, तब एमा मौका पाकर अल्फ्रेड के कमरे में चली जाती है। आज वो एक रेड कलर की काफी हॉट ड्रेस पहनकर आई थी, जिसमें एमा को देखने के बाद अल्फ्रेड खुद को रोक नहीं पाता और उस पर टूट पड़ता है। अल्फ्रेड से चरम सुख पाकर जब एमा अपने कमरे में आती है, तब बेन टीवी में एडल्ट पोगो देख रहा होता है। वो एमा से कहता है कि मिसेस एलिवर ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, पर यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। दरअसल बेन ने अपने कुछ टैक्सीज को भाड़े पर दे रखा था, जिसकी वसूली करने हमेशा एमा ही जाया करती थी। वो उसमें से कुछ पैसे अपनी एक दोस्त डीना के पास चुपके से जमा कर रही थी। बेन पूछता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस पर एमा कहती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अब क्योंकि बेन को एमा के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो अल्फ्रेड को उसके बारे में बताती है। अल्फ्रेड कहता है कि ठीक है, अब हम यहाँ नहीं बल्कि ओयो में मिला करेंगे। पर एमा कहती है कि मैं अब इस सबसे तंग आ चुकी हूँ, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि अगली रात को एमा बेन के बियर में नींद की गोली मिला देगी, जिसे पीने के बाद बेन लुढ़क जाएगा। उसके ठीक 2 मिनट बाद वो अल्फ्रेड के साथ पनामा में उसके अंकल के घर चली जाएगी। प्लान के मुताबिक अगली रात को जब बेन एमा से पीने के लिए बियर मांगता है, तब एमा बड़ी ही चालाकी से बेन की बियर में नींद की दवाई मिला देती है। पर बेन उस वक्त सावधान इंडिया देख रहा था और उसके दिमाग की घंटी भी बज चुकी थी। उसे तो पहले से ही एमा के ऊपर शक था, इसलिए वो एमा को किचन में कुछ खाने के लिए लेकर आने को भेज देता है। एमा के जाते ही बेन बियर की ग्लास को आइस बकेट में उतार देता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसने एक ही बार में बियर की ग्लास को गटक लिया हो। एमा उस खाली ग्लास को देखकर काफी खुश होती है। वो तो यही सोच रही थी कि अब कुछ ही देर में बेन लुढ़कने वाला है और उसके बाद वो अल्फ्रेड के साथ हमेशा के लिए यहाँ से दूर निकल जाएगी। बेन के बेहोश होते ही एमा अपना बैग और उसके कुछ पैसे लेकर निकलने की तैयारी करने में लग जाती है। उधर अल्फ्रेड भी शर्ट पैंट पहनकर निकलने के लिए तैयार था, तभी अचानक बेन पीछे से एमा को पकड़ लेता है, क्योंकि वो तो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो एमा को मारना पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एमा की चीख सुनकर
अल्फ्रेड भी वहाँ आ जाता है और बेन के साथ उसकी ढिसुन शुरू हो जाती है। पर इस मुठभेड़ में बेन अल्फ्रेड पर भारी पड़ रहा था। वो अल्फ्रेड का गला दबाकर उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी एमा पीछे से बेन के पीठ में चाकू घुसेर कर उसे मार डालती है। एमा पूरी तरीके से हिल चुकी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पिंजरे में बंद एक मुर्गी की तरह कांप रहा था, लेकिन अल्फ्रेड उसे शांत करवाने में कामयाब हो जाता है। अल्फ्रेड अपने एक दोस्त की गाड़ी भाड़े पर लेके आता है और उसमें बेन की लाश को डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है। इधर एमा कमरे के फर्श पर खून के धब्बों को साफ करने में लग जाती है। अल्फ्रेड एक नदी में बेन की लाश को ठिकाने लगाकर वापस घर आता है। उसके लौटने पर एमा चैन की सांस लेती है। एमा अभी भी अल्फ्रेड के साथ पनामा जाने की तैयारी में थी, पर अल्फ्रेड कहता है कि अगर हम अभी यहाँ से चले गए तो पुलिस को हम दोनों पर शक हो सकता है, सो हमें कुछ दिनों के लिए अपना ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। एमा पुलिस स्टेशन में बेन के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है ताकि उसके ऊपर किसी को कानो कान शक न हो। दूसरी तरफ अल्फ्रेड ने एमा से मिलना भी बंद कर दिया था। बेन की मॉम एमा से मिलने आती है। वो बताती है कि बेन ने मेरे ही कहने पर तुमसे शादी नहीं करी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार में नाचने वाली मेरे घर की बहू बने, वरना बेन तो कब से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार था। पता नहीं मेरा बेटा अभी कहाँ और किस हालत में होगा। बेन की मॉम की बातें सुनने के बाद एमा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि वो तो यही सोचती थी कि बेन उसके साथ सिर्फ जिस्मानी संबंध बना रहा था। एक रात एमा अचानक अल्फ्रेड के कमरे में घुस जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड डीना भी मौजूद थी। अब क्योंकि अल्फ्रेड पिछले कई दिनों से एमा को इग्नोर कर रहा था, इसलिए वो सोचती है कि अल्फ्रेड डीना के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है और उसे गुस्से में आकर वो एक जोरदार थप्पड़ अल्फ्रेड के गालों पर चिपका देती है। अल्फ्रेड कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त के साथ नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने साथ एक कस्टमर को लेकर आई थी क्योंकि ओयो में रूम की कमी हो गई है। डीना भी सेम बात कहकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अल्फ्रेड एमा से कहता है कि देखो एमा, मुझे भी पैसे कमाने हैं और इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। हम पनामा यूं ही खाली हाथ हिलाते हुए नहीं जा सकते। एमा कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े तो हैं। इस पर अल्फ्रेड कहता है कि उन पैसों में हम एक महीने भी ठीक से खा पी नहीं सकते। अल्फ्रेड एमा से बेन के डेप्टर से पैसे जमा करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद एमा डिसाइड करती है कि अब वो अकेले ही यह शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। यह सुनते ही अल्फ्रेड अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारे कांड के बारे में सब कुछ बता दूंगा, फिर सरते रहना जेल में। एमा कहती है कि मुझे फंसाकर तुम भी नहीं बचने वाले हो, तुम भी जेल में चक्की पीसते रहना। अल्फ्रेड कहता है कि मुझे तो जेल से डर नहीं लगता, मैं तो पहले भी कई बार जेल जा चुका हूँ, तुम अपना सोचो। अब एमा बुरी तरीके से फंस चुकी थी, उसके आगे कुआ था तो पीछे खाई। अल्फ्रेड उसे अगली सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। इधर बेन की मॉम ने अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर कर लिया था, तो दूसरी तरफ जीबी रोड के अंडे वाले परेशान थे क्योंकि एमा ने अब उनसे अंडे लेना बंद कर दिया था। अल्फ्रेड भी अब एमा से पैसों के बदले घर में धंधा करवाने लग गया था। एमा जो कभी अल्फ्रेड को दिलो जान से प्यार किया करती थी, उसका असली चेहरा देखने के बाद दिन भर बैठकर सिर्फ रोती ही रहती थी। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अल्फ्रेड उसके साथ वो सब करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक रात एमा अपने घर लौटती है और उसके ठीक सामने बेन खड़ा उसके ही आने का इंतजार कर रहा होता है। बेन को देखते ही एमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, साथ ही साथ वो काफी डरी हुई भी थी। एमा के पूछने पर भी वो नहीं बताता कि आखिरकार वो जिंदा कैसे लौटा है। बेन एमा से अल्फ्रेड को बुलाने के लिए कहता है, साथ ही साथ वो एमा को अल्फ्रेड के साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहता है ताकि उस दौरान वो अल्फ्रेड का काम तमाम कर सके, पर एमा ऐसा करने से इनकार कर देती है। तब बेन कहता है कि अब तो तुम्हें ही अल्फ्रेड को मारना पड़ेगा, तुम सबसे कह देना कि अल्फ्रेड तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारा रेप करने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में आकर तुमने उसका मर्डर कर दिया, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्लान के मुताबिक एमा अल्फ्रेड को अपने कमरे में बुलाती है और दोनों अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। बेन भी एक कोने में छिपकर लाइव टेलीकास्ट का मजा ले रहा था, तभी अल्फ्रेड की नज़र उस पर पड़ जाती है और दोनों में वापस से ढिसुम शुरू हो जाती है। इस बार इस मुठभेड़ में दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस तरह से एमा ने अल्फ्रेड और बेन दोनों को सुला दिया। एमा अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।